साथ में। साल का भाई भी अचानक मर गया, क्या हुआ पता नहीं। साथ में कपड़े को मतरे कपड़े जल्दी लगा पूरी ताकत जोर से। الحياة الدنيا صلى الله عليه أنت وعدك لا شرك لك شرك من محمد نبي ورسول فلا تكلم الله نفسك وإنك تكلم الله نفسك تخرب من الشرك تخرب من الشر وتكلم خير وإني لا تكلم الله من رحمتك فجأني إنك أحد توفي إنك أحد توفي من المطلب من الله تخرب من الدنيا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واصحابه اجمعين برحمتك الرحيم आज अगर लो उसको अंदर से तेज एक साथ में जोर से पूरी ताकत लगा। जकड़ो उसको और तेजी से और आग लगाओ उसके अंदर तेजी के साथ में। टीचर लगाओ ना आदमी पढ़ के बंद करा के चलो उसके हाथों को जकड़ लो उसके तेजी के साथ में। उसके हाथ काटने गए मेरे को तेजी से, जब तक मेरे सवाल के जवाब नहीं देगा जब तक हाथ काट के ले लूंगा मैं उसके। काट लू क्या दोनों हाथा? जोर से बोल हाँ, जोर से और जोर से और जोर से। नाक में लगा दोनों, दोनों नाक में लगा। चुप बैठो ना जी, जरा तुम चुप बैठे ना जरा तुम्हारे झगड़ो उस कुत्ते के साथ में। हाँ झगड़ो लाओ बाहर से तेज के साथ में, जंजीरा लाओ उसको मार उसको जल्दी लगा के हटो, इतना मत खेलो अच्छे पेट पे की तो उसके रखी। हाँ जोर से और जोर से चल बोल जल्दी, कब मारना था बच्ची तू? हाँ कौन लाए थे तुझे शमशान से क्या कब्रिस्तान से? मैं आया। जोर से मैं आया। जोर से मैं आया। खुद ब खुद आया? झूठ बोलता नहीं, सही बता। इसके भाई को कौन मारा? नहीं मालूम, अभी याद दिलाता हूँ तेरे को, हाथ काट के तेरे माँ को कौन मारा उसके? हाँ क्या कर रहा था, मार देने पाया था? नहीं मालूम तेरे को, अभी याद दिलाता तेरे को। खैर जकड़ लो उसको तेज एक साथ में, जल्दी बता, मैं तो बहुत बुरा मारने लगा था तेरे को। बुलाओ बाहर से फौज को तेज एक साथ मारो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, وعلى الله 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 وعلى الله
कैसा मारा उसका भाई, अब इसके हाथ काट के ले लूंगा मैं, दोनों हाथों में हाथ लगा के। छोड़ते तो नहीं बेटे को, अब एक बार भी नहीं छोड़ते, बता जल्दी। आग लगाओ उसके हाथ में तेजी से, जब तक उन्हें मुझे नाम नहीं मिलेगा जब तक जला दे रहा उसके हाथ में तेजी से आग लगा के। कौन मारा उसके माँ को, जलाओ तेज से आग लगाओ उसके अंदर, जलाओ। छोड़ मत उसको, सही सही बता तो छोड़ेंगे तुझे, सही बता, सही बता तो छोड़ता हूँ। हाँ लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, जल्दी बोल, कम बगल पूरा जला दूंगा, बता जल्दी। नहीं पहले बोल, हाँ कैसा मारा उसके भाई को, नहीं मालूम माँ को कैसा मारा, नहीं मालूम वो भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं नहीं मारा किसको भी, नहीं मारा। कौन मारा उसके भाई को, नहीं कौन मारा को? तुझे सब मालूम रहता, बता जल्दी। नहीं मालूम तुझे, कहाँ मिली बच्ची है, कहाँ मिली, दावत में आए थे, किसके पास में, किसके पास में, नहीं मालूम, नहीं मालूम। याद दिला, आग लगा के इसके अंदर याद दिला दो, छोड़ने आ रहे थे को, अब नहीं छोड़ते, नहीं जब तक तू सवाल के जवाब नहीं देगा जब तक नहीं छोड़ देते। हाँ बयान कर, कौन थी वो, इसके माँ को किसने मारा, इसके नहीं मालूम, इसके बाप के खानदान के लोग थे, माँ के खानदान के लोग थे, नहीं मालूम मेरे को। अच्छा इसके भाई को कैसा क्या मार दिए छोकरे को, वो नहीं मालूम मेरे को। तू छुप छुप के सबको मार रहा था क्या, एक के बाद एक, भाई नहीं मारा किसने भी। बच्ची कहाँ मिली तेरे को, दावत में आई थी, किसके यहाँ पे, दावत में क्या करा तूने उस पे, हाँ मेरे रास्ते में आई थी, ऐसा कैसे तेरे रास्ते में, उन्हें भूला भी लगा ले गई थी, हाँ क्या करी थी, भूला भी लगा ले गई थी, हाँ तूने क्यों, क्या क्या करी उन्हें तेरे को, ऐसा तू जो उसको लगा तो कुछ भी नहीं करी, फिर क्यों लगा तू उसको, अच्छी दिख रही थी, अच्छी दिख रही बोल के तू घुस गया उसके आंग में, पहले कितने लड़कियों को मारा, नहीं मारा मैं किसको भी, इसको क्या मार के साथ मिल जाने वाला था, शादी करने वाला था इसके साथ, अच्छी दिख रही थी, अच्छा और नहीं
और क्या तकलीफ दे रहा था तू उसको? सिर पे बैठता था मैं उसके। क्या करता था सिर पे बैठ के? क्या करता था? मैंने तकलीफ देता था उसको। हाँ, क्या तकलीफ देता था? सर वजन करता था, दर्द करता था। और क्या करता था? और खाना भी नहीं देता था उसको मैं। खाना नहीं खान देता था? क्यों नहीं खान देता था उसको खाना? उन्हें आती मेरे साथ बोल के। कहाँ आती उन्हें तेरे साथ में? मेरे साथ आती उन्हें। कहाँ पे? मेरे साथ। मार के लिए जाने वाला के साथ में? कब मारना था फाइनल? अभी नहीं मारा मैं उसको। उसका खून पी रहा था उसके शरीर में से? रात में उसको सोते टाइम पे आके परेशान कर रहा था तू? सोने नहीं देता था मैं उसको। क्यों? क्यों तेरी बीबी है उन्हें? हराम के साले। झगड़ो उसके से। और क्या कर रहा था? और कुछ भी नहीं कर रहा था। और बता दे एक राज, बता मेरे को, चल उसके भाई को कौन मारे बता तेज एक साथ में। नहीं मालूम उसके भाई का मेरे को कुछ भी। सही बोल रहा झूठ बोल रहा? सही बोल रहा मैं। चल मैं तेरे को एक मौका दे रहा हूँ, इसके बाद मौका नहीं दूंगा, जाके याद करके आके मेरे को दूसरे चक्कर तक सब बयान करना, उसके भीकू कौन मारा और उसके माँ को कौन मारा, समझ गा ना? समझ गा ना? हाँ चल तोबा तोबा कर जल्दी, तोबा तोबा करके जा जल्दी। माँ को जोर से तोबा तोबा बोल। हाँ जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से। जोर दबा कर। और क्या तकलीफ दे रहा था तू लड़की को? ये शादी नहीं होने रहा था इसकी? हाँ दूसरे चक्कर में लेंगे तेरे से पूरे सवाल पूछ के। चल तो बातों का निकल जल्दी अभी यहाँ से, छोड़ उसको छोड़। और क्या नाम है इसका? समीना। हाँ चल जा 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 समीना जा, छोड़ दे वो बच्ची को तेज एक साथ में, रास्ता खुला है भाग। और सभी याद करके आके बयान कर मेरे दूसरे चक्कर तक, भाई को कौन मारा, माँ को कौन मारा, सब ये जो है तो सुबह शाम इनके मुंह पे मारते रहना, इनके मारते रहना, पानी पानी मिला के इधर कुर्सी और चारों कुल हर नमाज के बाद में सात सात बार पढ़ के इस पे दम कर धरना। लो ये अरे समीना क्या होगा? देखो ऊपर क्या हुआ? ये कौन है? पीछे कौन है? कौन है? देखो चलो दुआ ने कैमरा इधर से आ रही सामने। ये कैसी दास्तान है? अभी उन्हें बोला मैं, बोले क्या बोला उसने? बोला ना मैं कहीं से खुद आया दावत में से, और बोला उन्हें उसके अंदर के पूला लगा के जा रही थी बच्ची, क्या तो भी उसको पसंद आ गई, उसके रस्ते में भी लग गया। ये बातें उन्हें झूठ बोल रहा क्योंकि उन्हें कितना भी झूठ बोलेगा तो मेरे को सारी दास्तान एग्जैक्ट पता था ना उन्हें कहाँ से आन क्या है कितना भी, तो वो मैं दूसरे चक्कर तक जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह पूछूंगा उन्हें क्या मारा था क्यों मारा था, क्योंकि अभी ऐसा हुआ पीछे जा रहा उधर, अभी ऐसी हुई दास्तान कैमरा पुतले के जैसा मेरे आंख पे लेके आने तो अब
ऐसी दास्तान के वो एक को बिठाए के आंग में, दूसरे को बिठा दूसरे के आंग में, तीसरे को बिठा तीसरे के आंग में, तो बहुत सारा टाइम होगा, काफी सोचते हैं उसको ज्यादा छोड़ देगी नहीं, मुझे उसको मौका देके छोड़ देगी, दूसरे चक्कर में आके फिर सब सही तरीके से बयान करेगा कौन डाले थे, क्यों आया, क्या आया, अभी उसके बात सोच रहा हूँ, मैं दो चार दिन को सुना दिया, मैं लग गया खुद बहुत सुना देख के आगे लड़की को, दिनों मेरी बात को मान लिए होंगे, मगर मानो आए नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बच्ची का भाई को भी और वालदा को भी मार दिए थे, तो कौन मारे, ये इनेज मारा होगा या इसके साथ ही उन्हें मारे होंगे, आगे पीछे टाइमिंग करके उसको भी दिया लेंगे सबको कैमा, मैं आगे पूछूंगा इंशाल्लाह तफसील में, क्योंकि अभी एक दो तीन सब लोगों के एक साथ कुरान में आए थे, सबको पूछा है सामने आओ और यहाँ के मेरे को पूछो तुमको कौन सा जिक्र करना है, मैं तुम बोलता हूँ जिक्र करो, जबानों में तासीर पैदा करो, जरूरत है आज तुम्हारे पूरे कौम को, तुम्हारे मिल्लत को, आज सबको जरूरत है, सख्त जरूरत है रूहानियत के अंदर मुसलमानों, तुम रूहानियत से काम लो, कोई तुम्हारे सामने हुकूमत है, कोई तुम्हारे सामने उन्हें रूहानियत से अगर तुम मदद लेने लगे, क्योंकि रूहानियत में डायरेक्ट तुम्हारी अल्लाह मदद करेंगे, अगर तुम नेक सालहीन कुरान से मदद लेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, और जब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो फिर कोई झिंगूर की औकात नहीं दुनिया में जो तुम आपको जहमत दे सके, और तुम अगर अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे तो फिर तुम बहुत ज्यादा क्या बोलते तो परेशानी में मुब्तला होगे, गर्क हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि एक मामूल बनाओ जिक्र अस्कार का, बहुत सख्त जरूरत है आज, बहुत क्या बोलूं तुम लोग पैसा खुल गया, तुम इन शॉर्ट में बता देगा समझ जाओ कि तुमको इस वास्ते जरूरत है कि जगह जगह बदमाशियां कम वक्त लोग तुम्हारे दुश्मन आ पड़े वाले, तुम जब जिक्र अस्कार का एक मामूल बनेंगे तो जिक्र तुम्हारी हिफाजत करेंगे अल्लाह के तुमसे, और ऐसी भी कि तुम्हारे हर जगह में हर मामलों में हर चीज में तुम्हारी हिफाजत होंगी, गैबी ताकत है जिसको बोलते हैं, गैबी ताकतों की सख्त जरूरत है आज, आज सख्त जरूरत है जिन लोगों को, गैबी ताकत है तुम्हारी मदद करना अल्लाह के तुमसे, जो अल्लाह ने गैबी ताकत है गैब से मदद भेजना, गैबी ताकत है भेजना, वो भी अल्लाह से मांगो ना, तुम बच्चा जब तक रोता नहीं जब तक माँ दूध नहीं पिलाती, तुम अपने रब से मांगो, और तुम डायरेक्ट कोई भी गैबी ताकत के जिक्र अस्कार नहीं कर सकते, तुम करे तो पागल हो जाते, कोई बहुत बड़ी शख्सियत के पास आके तुम आप उनसे इजाजत लेके जाके फिर अमल करना पड़ता, तो जिन्नाता शैतानों की दुनिया इसी डायरेक्ट आके उन हमले करते फिर बगैर इजाजत के करे तो, और पागल कर देते, इसलिए बेहतर है कि आओ अल्लाह वालों के पास में उनसे इजाजत लो और इजाजत लेके अमल करो, और फिर उसके बाद में तुम्हारे भी साथ में अल्लाह के हुक्म से गैबी ताकत होगी, तुम भी देखेंगे कि अल्लाह ने कैसे कैसे नियामत रखी, उस नियामत से तुम भी लुत्फ अंदाज होंगे और तुमको भी फैज मिलेगा, दुनिया को भी फैज मिलेगा उससे। चलो अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है, चलो दावत में से उछला होगा उन्हें, मगर अंदर तो बैठे लाऊंगा ना चुप के, क्योंकि ऐसा खुद ब खुद आए वाला नहीं रहती दास्तान, ये वो अलग लगता है, आए वाला अलग रहता, लगाए वाला अलग रहता, ये आए वाला नहीं है लगाए वाला, ये मैं कितना भी बोलूंगा झूठ तुम्हें वो बताया ना पहले क्या मैं बता दिया मैं उसकी थोड़ी बातों को मैं यकीन कर लूंगा। भाई को क्या है एक्सीडेंट, अरे अरे कोई भी नहीं अकेला बच्चा, अरे ऑटो गिरते ये चेहरा साइड पे बीट के पीछे एक लोता एक भाई था, उनकी तीन बहन मां नहीं है, तो ये बच्चे का चेहरा पीट के पीछे होगा, वहीं चिंता हाल है, ये जी बलवान ने गिरा दिया मैंने उसकी मुंडी को, चार महीने छोड़ा था, वो तो खैर बताइए ना, वो आगे आते नाम मां से बात इन वाली लोगों ने करवा दी, क्या होगी एक बताए एक भाई चले, दुआ मोमिन का हथियार है, अब उन्होंने ऐसा बता रहे कि वो बच्ची का भाई का सडनली एक्सीडेंट हो गया, सर कुछ घूम गया था, घूम के एक्सीडेंट में हला जगह पर होगा फोर्थ होगा जो भी, तो तुम घर से बाहर निकलते वक्त दुआ पढ़ के निकलना, आयतल कुर्सी पढ़ के भी अगर तुम निकले तो 70,000 फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत को उतार देता अल्लाह, हर नमाज के बाद तुम अगर आयतल कुर्सी पढ़े तो 70,000 फरिश्ते उतार देता अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करते, देखो अल्लाह और कितना रहमान और रहीम है और अल्लाह तुम पे कितना मेहरबान है अल्लाह के बंदो, कि तुम अगर खाली एक बार आयतल कुर्सी पढ़े तो 70,000 फरिश्ते उतार दे रहा तुम्हारी हिफाजत में, कितना अल्लाह तुम पे मेहरबान है मालिक, बेशक रहमान और रहीम है, इसलिए तुम उस मालिक ने जो तुम्हारे वास्ते इनामात रखा उसके फायदे तो उठाओ, तुम घर से बाहर निकलते वक्त तुम दुआ पढ़ के निकलो, अगर काश काश
बोलते लोग कि वो बच्चे की मौत थी तो मौत हो गई, एक्सीडेंट तो भाना छुआ, खाली ऑटो था, बोलते ऑटो में से गिरा, मुंडी फिर ले गया पीछे और मौत होगा जगह पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए। मगर एक बात याद रखना, मौत से पहले भी मौत रखवा दी अल्लाह ने, शहादत की मौत है मौत से पहले, मौत से पहले एक और एक मौत है हराम मौत और एक नेचुरली मौत है। तो फिर ये दो जो मौत है शहादत और हराम मौत, हराम मौत चलेगी जादू टोनों में, एक्सीडेंट करने में, मारने में, वो जो भी मरने में, खुद मरने में, वो सब डिफिनेशन थोड़ा पता चलता। शहादत की मौत राहत की सभी लीला, इसलिए बेहतर है कि सबसे ज्यादा हम घर से दुआ पढ़ के निकलेंगे, तुम पे जो हमले करने वाले बलाएं, इंसान ना दिखने वाली मखलूक, तो वो सब चीजों से तुम महफूज रहेंगे। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बोलिए अगर वो बच्चा घर से निकलता था तो कसम खुदा की रब काबा की, उसकी जान लेने की किसी में ताकत नहीं थी। मौत का फरिश्ता भी अगर आता था तो उसको घर पे रिटर्न आने के बाद रूह कब्ज कर सकता था। मौत के फरिश्ते को अगर फरमान होता था कि उसकी नेचुरली मौत करना है और उन्हें दुआ पढ़ के निकल जाता था, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया घर से निकल जाएंगे दुआ पढ़ के तो आज तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम्हारे घर वालों की हिफाजत करूंगा, तो कसम रब काबा की, तो उसकी रूह वहां कब्ज नहीं होती थी, उसकी रूह उसके घर पे रिटर्न आने के बाद में अगर मौत के फरिश्ते को भी हुक्म होता था तो अगर उन्हें दुआ पढ़ के निकलता था, और अगर नहीं पढ़ के निकला तो हादसात में बलाएं, आसे भी बलाएं, आसमानी बलाएं, शर फैलाने के लिए रहते बहुत सारे, उन्होंने मार के जान लेते हैं, हमला करते थे। जैसा कि रमजान शरीफ के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया, जब रमजान आ जाता तो रमजान आते ही फौरी बलाओं को कैद करो और चौथे आसमान में समंदर के अंदर कैद खानों में ले जाके डाल दो। उसका मतलब क्या है, कौन से जिन्न आते जाते, कौन से बलाओं को कैद करके ले जाते, वो बलाओं को कैद करके ले जाते जो बलाएं रोड पे धिया ना करते, ऐसे एक्सीडेंट ना कर देते, रोड पे मार देते, शर फैला रहे, आतंक मचा रहे, वो बलाओं को कैद करके ले जाते। किसी जादूगर के पास के, कोई आमिल के पास के, कोई कामिल के पास के, वो बलाओं को कैद करके नहीं ले जाते। जो मोकाट फिर रहे वो मोकाटों को पकड़ के ले जाते ताकि रोजदार को जहमत ना दे बोलकर, क्योंकि मोकाट अगर रोजदार को जहमत देगा तो वो डायरेक्ट किस पे जा रहा, जवाब अल्लाह पे जा रहा। और जादूगर आमिल और कामिल के पास का जिन्नात किसी को जहमत दे रहा तो वो जादूगर से पकड़ के पूछूंगी, इलाज वाले से पकड़ के पूछूंगी, वो जो भी शख्स रहेंगे उससे पकड़ के पूछूंगी। और मोकाट फिर रहे वो अगर कोई अल्लाह वाले को मार दिए नेक बखत इंसान को, रोजादार को, फिर वो डायरेक्ट अल्लाह को बोलेगा ना, दोष अल्लाह को देंगे ना वो लोग, इसलिए अल्लाह होता कैद कर लो वो शैतानों को जो रोड़ों पर दिखाने में चाह रहे थे। ये सब बातें बहुत बाल से बारीक है, ये तुम्हारे को कहाँ पता चलेंगे और मैं क्या समझा रहा समझ में आया ना, इसलिए बेहतर है कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, एक इल्लल्लाह के नशे में डूब जाओ और उसमें गर्क हो। ये दुनिया के नशे में दारू शराब पीने वाले ऊपर नशे की लत रहती लगे वाली, नशा नशा नशा, सिगरेट पीने वाले खाना खाते सिगरेट होना सिगरेट होना, तलमल करती उसकी बॉडी, तो वैसा तुमको इल्लल्लाह का नशा होना। इल्लल्लाह का जो बोलते ना, इल्लल्लाह का जाम नजर से पिला दिया, उसका मतलब ये है, आज तक तो किसको नहीं समझाऊंगा, अरे इल्लल्लाह का जाम इतना मालूम है, तो उसका मतलब ये है कि तुम जब इबादत के नशे में इतने गर्क हो जाओ कि अगर अजा होगा तो तुम्हें बेचैन हो जाना नमाज पढ़ने, तुम हथकड़ा डाल के भी रखे, जंजीरों से बन के भी रखे, तो भी तुम्हें बेचैन होकर वहां नमाज पढ़ देना जगह पे, इबादत में कहीं से भी कोई भी हाल में इबादत तुम्हारी कबूल है, जैसे भी तुम मजबूरी में, मगर तड़प पैदा होना, तड़प अंदर से, जैसा दारू पीने वाले को दारू पीने की तड़प होती, गांजा पीने वाले को गांजा पीने की तड़प होती, जुआ खेलने वाले को जुआ खेलने की तड़प होती, पबजी खेलने वाले को पबजी खेलने की तड़प होती, वैसा नमाज की और इबादत की कुरान की तड़प होना तुमको, ये फिर लग गया तुमको कुरान का और इबादत का नशा, और ये नशा लग गया तो फिर तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बन जाती। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे।